हेलो डैड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. बस ऐसे ही कुछ अनएक्सपेक्टेड करते रहिए, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा. आई लव यू डैड. लव यू टू बेटा. टेक केयर. गुड बाय. ओके बाय. जय अंबे. टेक केयर. अभी तो पद मिला है, अभी काम शुरू भी नहीं किया और दुश्मन खड़े हो गए. रुकमणी की बातों से वो खतरनाक लगती है पुष्पा. हमें संगीता ताई से बात करनी चाहिए. नहीं नहीं ना, पद के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं और समस्याएं भी. अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ ऐसे लोगों से निपटना भी सीखना होगा. चुका लेकिन हमें चौकन्ना रहना होगा क्योंकि ये रुकमणी रोड डालेगी भी और रोड बनेगी भी. तू टेंशन मत ले, तू सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे, उस पर नजर रहेगी मेरी, ठीक है? अरे राशि क्या कर रही है तू? बाहर टीचर से सब वेट कर रहे, बस खड़ी है, चल ना. आ रही हूँ बाबा. राशि बेटा ले ले ये डिब्बा रख, इसमें गुड़ और रोटली का चूरा करके मिक्स किया है, तेरी माँ को बहुत पसंद है. मुझे भी बहुत पसंद है. मम्मी अक्सर बनाती है रोटली और गुड़ का लड्डू. बहू को काव्य एक मिनट तेरा फोन देना. हेलो, पुष्पा बोल रही हूँ. क्या आप मोहल्ला कमेटी अध्यक्ष साहिबा बोल रही हैं? जी हाँ. आप कौन? इतनी बड़ी बात हुई और आपने अपनी बेटी को भी नहीं बताई? कैसी अध्यक्ष है आप? वेरी बैड. लेकिन आप बोल कौन रही हैं? एक तो इतनी बड़ी बात आपने अपनी बेटी को भी नहीं बताई और अब आप उसकी आवाज भी नहीं पहचान रही है. वेरी 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 बैड. शासी क्या रहे? अपनी मम्मी के साथ जुगाड़? तुझे शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी खबर है और तूने अपने बेटी को बताया भी नहीं. वो तो अच्छा हुआ डैड ने मुझे ये न्यूज दी, वरना मुझे पता ही नहीं चलता. एनीवे कांग्रेचुलेशंस मम्मी, आई एम सॉरी मेरे वजह से तू कॉर्पोरेटर बनते बनते रह गई. तेरी वजह से? हाँ, मैं तीसरी हूँ ना, मेरे कारण ही तो चांस गया. ए तुझ पर ऐसे हजारों चांस कुर्बान, पहले तू बाकी सब बाद में. चल मम्मी अब मैं फोन रखती हूँ, बस मेरा भार वेट कर रही है. ओके बाय. जय अंबे. बाय जय अंबे. थैंक यू. आती हूँ मास्टर जी. अरे जय अंबे. जय अंबे. जय अंबे. क्या हुआ? राशि अरे डरा डाला मुझे इसने. खैर ये कि उसकी वजह से मेरा कॉर्पोरेटर बनने का चांस चला गया. तीसरी संतान है ना वो. आप आज बदल कर मुझसे जुगाड़ किया रे. मुझे लगा कि वो रुक्मणी नहीं, मैं डर गई थी सच में. अच्छी एक्ट्रेस है राशि. रील बनाते बनाते ये कला भी सीख गई. बोलो बेटी किसकी है? बंदरिया. ये मेरी बेटी बंदरिया नहीं है. मैं तुझे बंदरिया बुला रहा हूँ. तो बंदरिया की बेटी बंदरिया ही हुई ना. तेरा स्पेशल कैसे? तू बंदरिया है. मजा आ रहा है? बहुत. आता सांगते मी, मस्ती मत करना, समझी की नहीं? नहींतर फटके देना आर्मी. का है? सुना की नहीं? हाँ बाबा सुन लिए. नहीं करूंगी मस्त. बस आंटी ने चॉकलेट दिया था, उनके पास जाती हूँ. चॉकलेट? हम्म, ये आवाज किधर से? चॉकलेट दादाजी. कौन दादाजी? कौन? बापू उतरा तुझे दादाजी लगता है? नो 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 पापा पापा बी 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 महेंद्र क्या बोल रहा है? बोलो बोलो. ऐसा नहीं बोलते बेटा. ये ना ये बोल रहा है दादा नहीं, ये तो पापा बनने वाले हैं, ये भी आने वाला है. हाँ महेंद्र क्या बच्ची के सामने क्या बोल रहा है तू? अब पापा बनने वाले हो?
छोटू बेबी आपको पापा बुलेगा या दादा? जल्दी भैया बोल रहे हैं, चलो सांप सीढ़ी खेलते हैं। भैया है ना, आपको चॉकलेट भी देंगे, बिस्किट भी देंगे। गोलू दुकान से सब देना, जाओ सांप सीढ़ी खेलो भैया के साथ। चलो आजा। बाय दादाजी। कट्टी कट्टी बड़ी। क्या तांझा क्या कर रहा है? सुशीला बाहर गई है, कुछ काम है? ये जो सामान लाया हूँ चेक करवाना था। अरे चेक क्या करना, उसमें तूने चेक करके भरा था ना, है? ला फिर भी बापूदरा चेक कर लेगा। जा। पक्का? कच्चा पक्का क्या होता है? हाँ हाँ। दादाजी बोल के गए यार बापूदरा को। बोल। वैसे तो कैब का ठीक ठाक चल रहा है, पर कब तक ये करेंगे? मैं तुझसे पूछने आया था कि अगर मैं और अश्विन दोनों मिलके कोई बिजनेस। मुझसे मत पूछ, अश्विन से पूछ, क्योंकि अश्विन अपने फैसले खुद लेता है। पुष्पा मुझे गलत मत समझना। गलत नहीं समझ रही हूँ, जैसे तू बदलने की कोशिश कर रहा है वैसे मैं भी बदलने की कोशिश कर रही हूँ। अगर पहली बारी पुष्पा होती ना तो एक झटके में ना बोल देती तुझे, पर ये बारी पुष्पा समझती है कि अश्विन अपने फैसले खुद लेता है, अपना भला बुरा खुद समझता है, इसीलिए उससे पूछ, वो हाँ या ना कर देगा। रांदेरिया पुष्पा रांदेरिया मोहल्ला समिति अध्यक्ष। धक्स? धक्स नहीं, अध्यक्ष। आपने तो कहा था पुष्पा इम्पॉसिबल नाम है, ये क्या नया नाम? मैं तो आपको पुष्पा इम्पॉसिबल ही बोलूंगी। ठीक है, तुझे जो बुलाना है बुला। वैसे भी तेरे आने के बाद से सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। मेरे आने से सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है? मैंने क्या किया है? कभी कभी कोई सिर्फ आकर ही अपना नसीब जोड़ देता है, वातावरण बदल देता है, किस्मत बदल देता है। तू वो पारसमणि है। इंग्लिश स्कूल में जाएगी? वेरी गुड, तो मैं तेरे स्कूल जाने का इंतजाम करती हूँ। थैंक यू। यू आर वेलकम। मोहल्ला कमेटी अध्यक्ष। बचपन में अगर पता होता इमली तोड़ते वक्त कि तेरे नाम के आगे ये जुड़ने वाला है, तो थोड़ी और इज्जत देता ना तुझे, थोड़ा कम तंग करता। बचपन में तेरे बाल नोचते हुए अगर मुझे भी पता होता कि आगे जिंदगी में तेरा साथ मिलने वाला है और तू मेरा डिप्टी अध्यक्ष बनने वाला है, तो मैं भी थोड़ी इज्जत से पेश आती। पुष्पा रांदेरिया मोहल्ला कमेटी अध्यक्ष। बचपन में अगर पता होता इमली तोड़ते वक्त कि तेरे नाम के आगे ये जुड़ने वाला है, तो थोड़ी और इज्जत देता ना तुझे, थोड़ा कम तंग करता। बचपन में तेरे बाल नोचते हुए अगर मुझे भी पता होता कि आगे जिंदगी में तेरा साथ मिलने वाला है और तू मेरा डिप्टी अध्यक्ष बनने वाला है, तो मैं भी थोड़ी इज्जत से पेश आती। ए दिलीप, क्या बैठे बैठे दोनों को देखता रहता है? कहाँ गई तेरी मर्दानगी? संतोष सही कह रहा था, ये अच्छाई का नाटक बंद कर, वरना पुष्पा को कोई और ले जाएगा और तू हाथ पे हाथ धरे बैठा रह जाएगा। नहीं, वो दोनों दोस्त हैं और वैसे भी हमारा डिवोर्स हो चुका है।
था तो क्या हुआ? फिर से जीत ले उसे, अपने हक का कोई और ले जाए, ऐसा थोड़ी चलता है। अब देख, तेरे हाथ का बनाया हुआ हलवा खाया, तेरी दी हुई गिफ्ट एक्सेप्ट की, तुझे बिजनेस करने के लिए मना भी नहीं किया, यही सही मौका है, वो पिघल रही है। याद कर संतोष ने क्या कहा था, जो प्यार से ना मिले उसे छीनना पड़ता है। यही दुनिया है और वो ऐसे ही चलती है। उस दो कौड़ी के चुगल को अपने रास्ते का कांटा मत बनने दे, हटा दे उसे, वरना दोस्ती दोस्ती में तेरे हाथ लगी हुई बाजी भी हाथ से निकल जाएगी। इस बार पुष्पा दिलीप पटेल का बोर्ड लगे ऐसा कुछ कर, बहुत हो गई अच्छाई, अब एक्शन का समय, हटा दे उस जुगल को अपने रास्ते से, फिनिश हिम, क्रश हिम, किल दैट मैन। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.